हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल खुशी सिंह का देसी किचन में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे, हमारे सामने कुछ सामग्री पड़ी हुई है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज हम राजस्थानी कढ़ी बनाने वाले हैं। तो इसमें हम अपने कढ़ी में डालने के लिए पहले हम इसमें कुछ पकौड़े बनाएंगे, जिसे हम अपने ग्रेवी में डालेंगे। तो पकौड़े बनाने की सामग्री पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ। हमारे सामने कटी हुई अनियंस हैं, कटे हुए ग्रीन चिलीज हैं, हमने रेड मिर्च पाउडर भी लिया है और 1 टेबल स्पून हल्दी भी लिया है और स्वाद अनुसार नमक है, और हमारे पास कटी हुई हरी धनिया है, और हमारी ये जिसका मैंने इंग्रेडिएंट जो कि है बेसन, ये मोटा कुटा हुआ बेसन है, ये पतला बेसन नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब हम पहले इसका बैटर बनाएंगे। अब इन सारी सामग्री को हम इसमें डाल के, इसमें हल्का पानी डाल के इसे गाढ़ा बैटर बनाएंगे। उसके बाद हम अपने इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, जैसा कि कुछ इस तरह से बैटर बनेगा आपका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, हमारा बैटर रेडी हो गया। एक बार हम इसे चला लेंगे, चम्मच की सहायता से लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़ा और गर्म होने दीजिए। इससे हम एक अच्छा बैटर बनाएंगे। हमने इसमें जो आपको इंग्रेडिएंट दिखाया था पहले से, वो सारा इंग्रेडिएंट हमने डाल दिया है, और अब ये बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें इंग्रेडिएंट डालने के बाद तकरीबन आधा घंटा इसे छोड़ा था, तब ये काफ़ी फ्लफी और फुला फुला बनेगा, और शायद हमारा तेल भी रेडी हो चुका है। अब हम देंगे छोटा छोटा, बस एक बार में चार ही डालें क्योंकि ये फूलेगा, तो इसमें फूलने का जगह भी होना चाहिए। अब ये इसे धीरे धीरे फूलने फूलने के लिए छोड़ दें, इसे रेड हो जाने तक फ्राई करें। तो देखिए, हमारा पकौड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा कलर आया है, और ये अपने साइज से भी थोड़ा बड़ा हो गया, फूल गया। एक बार मैं इसे चला के दिखा देती हूँ। देखिए, ये देखिए काफ़ी फूला है। अब हम इसे एक एक करके प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम अपने कढ़ी का घोल तैयार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारा जो पकौड़ा था वो रेडी हो चुका है, और अब हम अपने जो आगे का जो ग्रेवी है हमारा कढ़ी, उसका तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ सामान है, जैसे कि हमने सूखा कढ़ी पत्ता लिया है, और हमारे पास 4 से 5 लाल सूखी मिर्चें हैं, और ये काला सरसों है, और ये हमारे पास गरम मसाला है जो कि हमारे कढ़ी में जाएगा। और हमारे कढ़ी का मेन इंग्रेडिएंट है वो है दही, ये सूखा, ये हमारा दही है। और हमारे पास हमने जो बैटर बनाया था पकोड़े के लिए, उसके बैटर में हमने हल्का पानी दे के इसे चला लिया। हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम सारा दही इसमें डाल देंगे। पहले अपना दही इसमें डालेंगे, इसे फिर हम आपस में फेंट लेंगे, और सबसे पहले इसे हमारे जो जो छौंका लगेगा उसे हम अपना इसमें डालेंगे। धीरे धीरे ये फ्लेक्सिंग करेगा, हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला, ये हमारी सूखी मिर्ची है लाल, मिर्ची डालेंगे, ये हमारा रेड मिर्च, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, बस हल्दी और मिर्ची डला गया है। अब हम इसे वह चला लेंगे, और इसे जलने नहीं देना है। अब हम इसमें अपना जो था वो हमने अपने कढ़ी में डाल दिया है। देखिए क्या, कितना अच्छा कलर आया इसका। अब हम एक बार इसे चला लें, देखिए क्या प्यारा कलर आया है इसका। अब हम इसे चला लेंगे आराम से। अब हम इसमें थोड़ा सा
पानी देंगे क्योंकि अभी बहुत थिक है। उसके बाद जो हमारा पकौड़ा है वो भी इसमें जाएगा। इसका कलर ऐसा ही आता है हल्का कलर में और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा और पानी जाए क्योंकि अभी भी बहुत ठीक है और हम इसे और ये भी पकेगा, ये भी और फैलाएगा। हम इसमें बोतल से पानी दे रहे हैं। अब हम इसे खौलाने तक का इंतज़ार करें, उसके बाद इसमें हम अपने पकौड़े डालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए हुए डिश अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि आपका जब ग्रेवी जब खौलाने लगे तो समझिए कि अब ये रेडी होने को चला है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और हाँ, इसे चलाते रहिएगा नहीं तो ये बैठ सकती है। हाँ बस काफ़ी है नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमने इसमें नमक डाला। अब हम इसमें जो हमारी जो हमने जो बनाई थी पकौड़े, अब हम वो डालेंगे। अब हम इसमें देख सकते हैं, हम इसमें पकौड़े को कम से कम 10 से 20 मिनट तक छोड़ेंगे तो यह पकौड़ा जो है वह रस पी के काफ़ी साइज में बड़ा हो जाएगा। तो इसे भी हम खुलाने के लिए छोड़ देंगे 10 से 20 मिनट के लिए।